हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा कृष्ण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये 2-in-1 डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 25 फंदे से बनाना बताऊंगी। ये डोरमेट 25 फंदे से शुरू होती है, बाद में इसमें और फंदे बढ़ते भी हैं, तो ये काफ़ी ही बड़ा बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसे पुराने चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो। और आप इसे ऊन से बनाएंगे तो ये थालापोश के साइज का बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो रहा है। इसमें हम लोग एक ही बार धागा लगाते हैं और ये एक ही बार में इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें बाद में फिर कहीं से धागा निकलता भी नहीं है। तो आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। जितना खूबसूरत दिखने में ये डिज़ाइन है, इसे मैं आसान स्टेप्स के साथ ही आज मैं आपको बताई हूँ। तो इस डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए डिज़ाइंस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले ये ऑरेंज कलर से ही हम लोग 24 फंदा ले लेंगे। इसमें 24 फंदा हम लोग ये ऑरेंज कलर से ले लिए हैं और एक फंदा हम लोग ये पर्पल कलर से ले लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इसमें 25 फंदा हो गया। ये डिजाइन पहले ही लाइन से शुरू होती है। तो देखिए, ये पहले वाले जो फंदा है इसे हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब देख ही सकते हैं डिजाइन में जैसे पर्पल कलर बढ़ा हुआ है, वैसे ही इसमें बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कांटे पे एक बार धागा को लपेट देंगे, जिससे यहाँ पे एक फंदा ये बढ़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ एक का दो हो गया। अब ये जो इधर का जो ऑरेंज वाला फंदा है उसे हम लोग पर्पल कलर से यहाँ पे बीनेंगे इस तरह से। अब बाकी जो ऑरेंज वाले फंदे हैं उन्हें ऑरेंज वाले धागे से ही बीनते जाएंगे हम लोग। इसे एकदम अंत तक बीन लेते हैं, इसे यहाँ तक बीन लेते हैं। अंत में दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, तो यहाँ तक बीन लेते हैं। ये देखिए, आगे बीनते हुए इसके अंत में यहाँ पे हम लोग ये दो फंदा बिना बुने यहाँ छोड़ देंगे। यहीं से धागा पलट देंगे, सीधी साइड से जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बीनेंगे। तो कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ऑरेंज वाले सारे फंदे बीन लिए। अब ये धागा उल्टे साइड ले जाके पर्पल वाले से एक बार इस तरह से इसे क्रॉस कर देंगे और सामने ले आएंगे। बाकी जो तीन बचे हैं उन्हें बीन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, आगे इसके ऊपरी साइड में फिर से सेम करेंगे जैसे पहले लाइन में किए। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से कांटे पे लपेटते हुए, और ये जो पर्पल वाले हैं उन्हें बीन लेते हैं दो को, और इधर से ऑरेंज वाले फंदे में से एक फंदा को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। हर बार हर लाइन में इसी तरह से करना है, एक यहाँ बढ़ाना है और एक ऑरेंज वाले में से कन्वर्ट करना है। अब यहाँ जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें ऑरेंज वाले धागे से ही बीनते जाएंगे। फिर से इस तरफ से ये दो फंदा यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे। इधर से कंटिन्यू दो फंदा करके छूटेगा यहाँ पे इस डिजाइन में। ये देखिए, आगे इस तरफ यहाँ पे फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। फिर से सीधी साइड में आप बिनते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर से सेम करेंगे। जब एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और इधर से ये दो फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए, जब ये पर्पल वाला धागा धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता जाएगा और ये दो दो फंदा जहाँ पे हम लोग छोड़ रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टच होगा वहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। उसके बाद हम काउंट करके बताएंगे कि कितना फंदा इसमें छूटेगा, ठीक है। और इधर में ये कितना फंदा हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं, तो उसे मैं काउंट करके यहाँ पे बता दूंगी। तो इतना कर लेते हैं, उसके आगे बताते। ये देखिए फ्रेंड्स, बीनते हुए यहाँ तक बीन लिए हैं। अभी मेरा धागा यहाँ पे है और इधर से देखिए अंत में अभी यहाँ पे तीन फंदा रह गया है।
और इधर से ये सारे फंदे भी छूट गए हैं। ये लास्ट हम लोग ये फंदा अगर कन्वर्ट यहाँ पे कर देते हैं तो येलो के सारे फंदे जो ऑरेंज वाले सारे फंदे हैं वो छूट जाएंगे। अब यहीं से हम लोग धागा पलट देंगे, इस साइड से बिनते हुए फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह, सोलह फंदा छूट गया। यहाँ से देखिए ये आठ लाइन यहाँ पे बना होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ लाइन बना, यानी इधर में ये आठ फंदा बढ़ा होगा। तो अभी यहाँ हम लोग का पर्पल में सत्रह फंदा हो गया होगा, क्योंकि देखिए एक फंदा हम लोग शुरुआत में लिए थे, आठ फंदा बढ़ाए और आठ फंदा ये नीचे की तरफ बढ़ा, तो इसमें ये सत्रह फंदा हो गया है। और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से सोलह फंदा छूट गया है। अब इसे हम लोग यहाँ सीधी साइड से बिनते हुए फिर ऊपरी साइड में इसके चले जाते हैं, उसके आगे बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आगे इसके ऊपरी साइड में इस तरह से, ये देखिए सीधी साइड से ये हाफ कल इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब इस लाइन में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही एक लाइन यहाँ पे बिन देंगे एक साथ। तो पहले ही पर्पल वाले बिन लेते हैं। अब यहाँ पे ये ऑरेंज वाले सारे फंदे ऑरेंज धागे से बिन देते हैं एक साथ, इसे एकदम अंत तक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए इसके अंत में। अब यहाँ पे देखिए इस साइड से भी बिनते हुए एकदम यहाँ तक कर लेते हैं। ये वाला फंदा उठा लिया करेंगे ताकि वो जो सर्कल बनता है वो कम बने, इसे बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आगे इसके ऊपरी साइड में इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ये आठ फंदा हम लोग बढ़ाए थे उसे अब हम लोग हर लाइन में एक एक फंदा घटाएंगे और इधर से दो दो फंदा करके छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से दो फंदा को साथ में लेकर के बिन देंगे, जिससे यहाँ एक फंदा ये घट जाएगा और बाकियों को पर्पल वाले फंदे को बिनते जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए डिजाइन देखने के लिए। तो देखिए इसे बिन लिए हैं यहाँ तक, अब इसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज वाले धागे से, फिर बाकियों को बिनते जाएंगे और इस तरफ यहाँ तक चले जाते हैं। पहले दो फंदा वहाँ पे छूटेगा। ये देखिए आ गए यहाँ पे, ये दो फंदा छोड़ देते हैं, सीधी साइड से बिनते हुए वापिस यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आगे बिनते हुए इसके ऊपरी साइड में इस तरह से, फिर से सेम करेंगे, फिर से यहाँ पे दो फंदा का एक करेंगे इस तरह से, हर लाइन में एक एक फंदा घटाएंगे, जैसे आठ फंदा बढ़ाए थे वैसे ही आठ फंदा घटाना है यहाँ पे। और फिर से बिनते हुए जाएंगे, यहाँ एक फंदा कन्वर्ट करेंगे ऑरेंज वाले धागे से पर्पल वाले को, इस तरह से चले जाते हैं। ये देखिए आ गए यहाँ पे, ये कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब फिर से ऑरेंज वाले फंदे को बिनते जाएंगे और इस तरफ से फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो सेम प्रोसेस के साथ जैसे ये दो फंदा हम लोग घटाएं वैसे ही और यहाँ पे छः फंदा घटा लेते हैं क्योंकि आठ फंदा बढ़ाए थे, और ये धीरे धीरे आठ फंदा यहाँ पे कन्वर्ट होगा पर्पल में से। तो दो हो गए हैं दो लाइन में और छः फंदा कन्वर्ट कर लेते हैं पर्पल वाले को ऑरेंज धागे से, और इधर में ये 16 फंदे तक छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग 16 फंदे तक छोड़े थे इसे कमाते हुए, तो बढ़ाते हुए भी हम लोग यहाँ पे
इस 16 फंदे तक छोड़ेंगे। तो सेम इतना कर लेते हैं, तो फिर जैसा हम लोग का पहला लाइन था बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। तो इसे कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए यहाँ तक बिन लिए हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला फंदा हम लोग को घटाना है, आठवां फंदा। तो देखिए इस तरह से दो फंदा का एक कर देंगे और ये वाला एक है इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इससे। अब इधर में जो येलो वाला फंदा है उसे बिनते जाएंगे और इस बार ये लास्ट का 16वां फंदा यहाँ पे छूटेगा, तो इसे बिन लेते हैं बचे हुए को। ये देखिए ये दो फंदा यहाँ छोड़ देते हैं, इसे धागा पलट देते हैं, इन फंदों को बिनते हुए यहाँ तक वापस आ जाते हैं। ये देखिए आगे इसकी ऊपरी साइड में इस तरह से ये इसकी एक कली कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखिए ये 16 फंदे तक छूटा हुआ है, तो इस वाले लाइन में सबको साथ में लेकर के बिन देंगे। तो ये जो पर्पल वाला है उसे पर्पल वाले धागे से ही बिन लेते हैं, नहीं भी बिनेंगे इसे उठा लेते हैं यहाँ पे, और बाकियों को इस तरह से ऑरेंज वाले से बिन लेंगे। ये देखिए आगे सीधी इसे बिन लेते हैं यहाँ तक। अब सीधी साइड से भी बिनते हुए ऊपर तक इसे कर लेते हैं। ये देखिए आगे इसके ऊपर साइड में इस तरह से। अब देखिए सेम पहला लाइन जैसा हम लोग को मिल गया है, सेम फिर से यहाँ पे हम लोग एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा ऑरेंज वाला कन्वर्ट करेंगे और इधर से 16 फंदे तक फिर से छोड़ेंगे जैसा इसमें किए हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हमारी सारी कली कंप्लीट हो जाएगी तो अंत में यहाँ पे हम लोग सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से येलो कलर से ही सबको बंद कर लेंगे। इस तरह से दो फंदे को साथ में लेकर के बिनते जाना है इस तरह से। इस यहाँ पे सारे ही फंदे हम लोग बंद कर लेते हैं